उपस्थित माननीय वक्तागण सभा में उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण प्यारे भाइयों तथा बहनों आज समापन सत्र में दो घंटे से लेकर के हम सभी माननीय वक्ता गणों के माननीय विचार सुन रहे थे और पिछले तीन दिनों में भी जो जो बातें इस कॉन्फ्रेंस में निकली हैं, वे भी विचार आप सभी ने सुने अब अंतिम सत्र में हम सभी को क्या करना है जब कहा ही जाता है अंतिम है समापन सत्र में हमें कौन कौन सी बातों को समापन करना है और किन किन बातों को अपने जीवन में धारण करना है यही हमें ये सत्र प्रेरणा देता है यहाँ पर आकर के जो नई दिशा मिली है जो नई जागृति आई है या जो जो नई प्रेरणाएं मिली है उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे क्या करना है जबकि हमारा नया जन्म हुआ है ऐसे अनोखे स्थान पर आप सभी यहां पहुंचे हो जिसको वरदान भूमि तपोभूमि परिवर्तन भूमि या लोग जिसको स्वर्ग कहते हैं आप स्वर्ग में आकर के पहुंचे हो अपने व्यस्त जीवन से अमूल्य समय निकाल करके भारत के कोने कोने से आप सभी यहाँ पर आए पहुंचे हो और आप सभी ने यही तीन दिन के अंदर अनुभव किया होगा कि यहाँ पर कैसे वातावरण बनाया गया है यहाँ कैसे दिनचर्या पर एक्यूरेट रहते हुए हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है ये प्रेरणा आप सभी ने अवश्य ली होंगी कभी नहीं सोचा होगा कि अमृत वेले से लेकर के इतनी टाइट कोई हमारी दिनचर्या रहेंगी इतना जल्दी उठना और एक एक सेशन अटेंड करना ये सब आप सभी को असंभव बातें जो जीवन में संभव हुई ये कौन सी शक्ति थी जिस शक्ति ने आपके द्वारा तीन दिन में इतना परिवर्तन हो गया जो आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई और आज आप सभी अपने में ऐसी शक्ति प्राप्त करके जा रहे हो जो ये यादगार यहाँ की एक अमर रह जाएंगे ये यादगार एक अमीट रह जाएंगी आप सभी के दिलियों पर जो ये छाप लगी हुई है वो कभी मिट नहीं सकती कभी भूल नहीं सकती बल्कि समय समय पर आपको अपने जीवन में कोई भी ऐसी बात होने नहीं देंगी ऐसी ब्रेक लगाने में यहाँ जो आपने सुना है कुछ पाया है तो आपके लिए ये एक मदद रूप बनेगी। आप सभी ऐसा अनोखा अनुभव करेंगे और अपने अनुभव हम सभी को यहाँ पर लिख कर के भी भेजेंगे कि सचमुच हमें वो शक्ति प्राप्त हुई है जो आज हम क्या थे और आज क्या बन कर के जा रहे हैं जो आप सभी ने एक एक वक्ताओं के भी अनुभव से ये सुना सबसे पहले हमारे डॉक्टर प्रताप भाई ने भी अपना अनुभव सुनाया कि चाहे हम हॉस्पिटल में रहे चाहे हम कहाँ भी रहे हम कोई भी कार्य करें कोई ऐसा न समझे कि ये हॉस्पिटल है और इतना मैनेजमेंट में व्यस्त रहते हुए भी कार्यभार संभालते हुए भी हम कैसे लाइट रहे हल्के रहे और जितनी भी बातें जीवन में सामने आए उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हुए हम कैसे प्रॉब्लम्स को भी चैलेंज करें कितनी अच्छी सुंदर बातें आपने भी सुनाई और हम सभी का भी यही अनुभव है कि चाहे हम कहा भी रहे किधर भी रहे कैसे वातावरण में भी रहे अच्छा वातावरण बनाना ये हमारे हाथ की बात है हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल है हम हलचल में ना आए लेकिन हम सदा हल्के रहे हम कहते हैं लक्की आत्मा वह है जो जितने भी प्रॉब्लम जीवन में आए उसको सहज रीति से आसानी से बड़े लाइट मूड में उसको हल करता जाए ये बड़ा खुश नसीब है उसकी निशानी है इसलिए हम कभी हालतें नहीं बताते हैं प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं न सुनाते हैं लेकिन हर हालत में अपने को खुश कैसे रखे अपने को हैप्पी कैसे रखे अपना फेस कैसे अच्छा बना करके रखे चाहे कितनी भी बातें फेस करे तो यही हमें यहाँ पर सीखने को मिला है आध्यात्मिकता के द्वारा हमने अपने जीवन में यही प्रेरणा पाई है कैसे हर परिस्थिति में धैर्यवत होकर के रहे कैसे शांति की स्थिति में रहे और कैसे प्रेम भरा वातावरण रहे रूहानियत वाला वातावरण रहे ये तीन टैबलेट खाना भूले नहीं धैर्यवत रहे शांति में रहे और प्रेम जो आज हम देखते हैं मानव मानव के बीच प्रेम नहीं रहा है आज ईर्षा की अग्नि जल रही है आज कोई किसी को देख करके खुश नहीं हो रहा है लेकिन हम हरेक आत्मा को देखते हुए सदा खुश रहे हर परिस्थिति को देखते हुए मुकाबला करते हुए सदैव कैसे खुश रहे यही अपने लाइफ में हमने सीखा है और हम सभी को यही प्रेरणा देते हैं कि ये जो आर्ट ऑफ लिविंग जो मेडिटेशन के द्वारा कैसे प्राप्त होती है हमारी मीठी उतरा बहन ने आप सभी को कैसे परमात्मा से रिलेशन जोड़े मन को कैसे एकाग्र करे मन को कैसे शांति की स्थिति में रखे मन कभी आवेश में ना आए माइंड को भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो आज लोग मानते हैं कि बड़ा असंभव है मन को वश करना ये बड़ी कठिन बात है लोगों ने तो यही कह दिया वायु से भी तीखा है मन गोड़े माफिक है लेकिन ये कह कर के उसको फ्रीडम दे देना वो चंचल है चंचल है ये कह कर के हम ऐसा नहीं करते लेकिन आज बच्चा कितना भी चंचल हो उसको कंट्रोल में रखना ये हमारा काम है तो आज आप सभी को अपने अनुभव से कह सकते हैं पिछले 45 साल से राज्यों का अभ्यास करते हुए ये मन को कैसे शांत किया है कैसे ये मन अभी स्थिर हो गया है उसे एकाग्र करना परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना ये बड़ा इजी हो गया है बड़ा सहज हो गया है जो आप सभी को अभी अभ्यास करते हुए थोड़ा कठिन जरूर महसूस होगा परंतु हम अपने अनुभव के आधार से आप सभी को इतना जरूर कहेंगे कि आप इस अभ्यास को छोड़ना नहीं लेकिन अभ्यास करते रहेंगे करते रहेंगे तो अवश्य आप सभी को भी इसमें सफलता मिलेंगी और ये राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की आप प्राप्ति करके वो सिद्धि अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं हमारे अन्य वक्ता वरिष्ठ ब्राता महेंद्र भाई ने भी इस बात पर उन्होंने भी जोर दिया था कि मन को शांत कैसे बनाए शीतल कैसे बनाए वाणी पर भी उन्होंने सुनाया था कि इसको मधुर कैसे बनाए और हमारे कर्म श्रेष्ठ कैसे हो आप सभी को सुनाते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस संस्था का जो सिद्धांत है मन वचन और कर्म एक हो आज इंसान सोचता क्या है बोलता क्या है और करता क्या है आज तीनों में समानता नहीं है परंतु यहाँ पर यही सिखाया जाता है कि थॉट वर्ड और डीड एक कैसे हो हम जो सोचे ऐसा ही बोले और ऐसा ही करे हम एक्शन में कैसे लाए जब तक करेंगे नहीं जीवन में तो हम पाएंगे कैसे तो इसलिए यहाँ पर वाणी को मधुर कैसे बनाया जाए कम बोलो धीरे बोलो और बोलो तो मीठा बोलो मीठी वाणी बोल रहे उस पर मुझे एक कहानी याद आ गई है कहानी तो कौ और कोयल की है एक बारी कौआ भागता हुआ जा रहा था तो रास्ते में कोयल मिली कोयल ने कौए से पूछा कौआ भैया कौवा भैया कहाँ जा रहे हो तो का बस बहन पूछो ही नहीं का क्यों क्या बात है तो कहा मैं तो अभी इंडिया को छोड़कर के विदेश जा रहा हूं तो कहा क्यों विदेश जा रहे हो कोई तो जरूर बात होगी तो कहा इंडिया में कोई मेरा मान नहीं रखता है मैं जहां बैठता हूँ जिधर बैठता हूं लोग मुझे उड़ा देते हैं भगा देते हैं इसलिए मैं अभी विदेश जाना चाहता हूं तो कहा ऐसा आखिर क्यों हो रहा है तुम काला तो हो मैं भी काली हूं लेकिन तुम्हारा जो बोलना है वो तुम सारा दिन क्या करते हो कहाँ का, का लोगों का सिर खा जाते हो और मैं भी काली हूं लेकिन मेरा बोलना देखो कितना मीठा है कोयल का आवाज गू वाणी है मीठी वाणी है तो आज मुझे तो ऐसा कभी ख्याल नहीं आया है तुम अपनी वाणी को चेंज करो तुझे स्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं है तेरी स्थिति बनानी होगी तेरी वाणी मधुर बनानी होगी मीठा बोलो तो आज हम ऐसा सोच लेते कि हम ऐसा स्थान परिवर्तन कर ले मुझे कोई सम्मान नहीं देते मेरे को कोई प्रेम नहीं देते मेरी कोई इज्जत नहीं रखते परंतु अभाव है मीठी वाणी का तो आज हम कैसे कम बोले रहे? कहीं ऐसे है सारा दिन टॉक करते रहते तो साइलेंस की अगर अनुभूति जीवन में करना चाहते हैं तो हमें कम बोलना होगा हमें धीरे बोलना होगा हमें शांत चित रहना होगा ये जितने गुण हैं मूल्य हैं जिनको अपने जीवन में कैसे धारण करना होगा आज शांति से आप किसी को कोई भी बात कहेंगे तो आपकी बात कोई मानेंगे भी कोई आपकी बात सुनेंगे भी लेकिन आप थोड़ा ही उनको रोब में कहा रोश में आकर के कहा ऑर्डर से कहा आज ऐसा समय आया है कोई किसी की सुनने वाला नहीं है कोई किसी की मानने वाला नहीं है तो हमें हरेक से कार्य कराना है लेकिन प्रेम से आदर भाव से उन्हें रिस्पेक्ट देकर के हरेक को कैसे हम आगे बढ़ाए आप सभी यहाँ देख रहे हो यहाँ की मैनेजमेंट को भी आप सभी देख रहे हो कि एक-एक को कैसे चला रहे हैं एक एक से कैसे यहाँ कार्य करा रहे हैं कैसे सभी कर रहे हैं आज आप देख रहे हैं हमारे साथ भी हर प्रकार के लोग होते देखो कोई पंजाबी है कोई गुजराती है कोई सिंधी है कोई काले है कोई गोरे है कोई कहाँ के है हम सब मिलकर के एक हो करके रहते आज दुनिया में देखते हैं जो परिवार है वो बिछड़ रहे और यहाँ इतना विशाल परिवार आप देख रहे हो ना वसुदै कुटुंबकम वहाँ भाई भाई नहीं रह सकते बहन बहन नहीं रह सकती माँ माँ नहीं है बाप बाप नहीं है क्यों आज संबंधों में विस्फोट होती जा रही है वहाँ परिवार नाते टूट रहे हैं और यहाँ ये कितना बड़ा देख रहे हो ये नाता एक एक का जुटाया जाता है ये कितना बेहद का परिवार है कितनी हृदय की विशालता है जो पराए हैं वो भी सब अपने हो गए हैं जो अपने हैं वो तो अपने हैं ही उनको भी ठुकराया नहीं है उनको भी हमने छोड़ा नहीं है हम हमारा फर्ज वो भी बजाते हैं चैरिटी बिगिन एट होम चाहे आज हम इस सेवा में हैं चाहे हम यहाँ समर्पित हैं लेकिन आज भी जिन्होंने इस मार्ग पर हमें लाया है ऐसी प्रेरणा दी है ऐसे पेरेंट्स को परिवार को फैमिली को हम भूल नहीं सकते हैं हम उन्होंने की भी सेवा करते हैं हम कोई भी ऐसे प्रसंग पर वहाँ भी आना जाना करते हैं कोई छोड़ना माना बिल्कुल उन्हें मुंह भी नहीं दिखाना ऐसा या नहीं कहा जाता है कहीं कहते हैं हमें भी सब छोड़ना होगा तब ये भी बात आप सभी के सामने रखी गई यह कर्म प्रधान है कर्म पर जोर दिया जा रहा है कर्म के साथ साथ केवल धर्म भी नहीं लेकिन अपना फर्ज जो परिवार के प्रति भी अपना फर्ज है मनुष्य का मनुष्य के प्रति क्या फर्ज है उसको कैसे हम अदा करें अपनी जिम्मेवारियों को कैसे हम संभालें यही यहाँ पर सिखलाया जाता है प्रशासन कला जिसको कहा जाए आदर्श कला एक अच्छा कलाकार कैसे बने है ना जीवन जीने की आज लोगों में निराशा है हताशा है जीना नहीं चाहते हैं लेकिन आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं कितने आनंद में खुशियों में मौज में तो आप सभी भी ये प्रेरणा लें, अपने कार्य व्यवहार में रहते हुए हम कैसे अनेक आत्माओं को दुआएं दे और दुआएं ले जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं सत्तर प्रतिशत से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाए तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए किसी भी आयु धर्म संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्व प्रशासन एवं नेतृत्व तनाव मुक्त जीवन सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी अकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं अधिक जानकारी है तो हमारी वेबसाइट बी के डब्ल्यू अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें घर में आता है कोई उनको पानी भी नहीं पूछेंगे तो कहेंगे अरे पानी का भी भाव नहीं पूछा चाय तो नहीं पिलाई लेकिन पानी भी नहीं पूछा तो आज किसको बिठाएंगे पानी पिलाएंगे फिर धीरे धीरे आपकी वाणी शुरू हो जाती है जब बैठते हो तो फिर बोलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है और जब आपस में कोई बातों में ऐसी कोई बात पसंद आई या ना आई कुछ भी मन मुटाव सा हो गया तो क्या कहते हैं आज से इसके घर का मैं पानी भी नहीं पीऊंगा क्यों कहते हो पानी ने क्या बिगाड़ा तो इसलिए ये भी आपकी धारणा रही है ये क्यों कहा गया है जैसा पानी वैसी वाणी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि ये सब कहावतें गलत नहीं है अन्न शुद्ध खाएंगे तो मन शुद्ध होगा, तो मन परमात्मा में लगा सकेंगे अगर ऐसा तामसी भोजन खाएंगे तो जरूर आपका मन परमात्मा में लगाना बड़ा कठिन हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा इसलिए हमें ये याद रखना है कि हम कौन है और हम किसकी संतान हैं हम किसके बच्चे हैं मेडिटेशन में यही बात दोहराई गई कि अपने को आप सोल समझो आई एम सोल नॉट बॉडी सन ऑफ सुप्रीम सोल परमात्मा के बच्चे और उनके आगे जाकर के गाते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा प्रभु पाप हरो देवा और फिर दूसरी और क्या करते हैं एक और भगवान को तो कह देते हैं मिटाओ भगवान मिटा भी देवे और हम फिर क्या करें विषय विकारों में उलझते रहे जकड़ते रहे तो परमात्मा कहते हैं मैं पाप हरता रहूं और आप पाप करते रहो यही धंधा चलता रहे इनसे आप पाप करना ही छोड़ दो जो ना मुझे हरना पड़े न मुझे धोना पड़े तो आज हम किसके बच्चे हैं हमारे अंदर ये जो बुराइयाँ आई है जो आज वैल्यूज़ का जो अभाव हो गया है जो सारे सत्रों का सार यहाँ सुनाया कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए कैसी क्वालिटी वाली मैं आत्मा बनूं कितनी ऊंची और श्रेष्ठ मैं आत्मा बनूं, मेरे कर्म क्या हो मेरी करनी कैसी हो इस पर हम विशेष अटेंशन दे क्योंकि आज हमारे साथ हमारे कर्म ही आते हैं और कुछ हमारे साथ नहीं आता है अपने एक्शन पर ध्यान दे एक कहानी तीन मित्रों की याद आती है पहला मित्र अपना वो दुख के समय आपत्ति के समय सहायता करेगा, बहुत में बहुत तो कोर्ट तक चलेगा साक्षी पुराने के लिए हमारे रिलेटिव्स, सगे वाहले, वो रिश्तेदार स्मशान के गेट तक हमें छोड़ने आएंगे इतना नाता निभाएंगे लेकिन ये कर्म जो है वो धर्मराज के दरबार तक भी साक्षी देंगे कि आप क्या करके आए हो तो आज हम सब इस कर्म क्षेत्र पर आए हैं हम ऐसे कर्म करें जो आज हम भी याद करते रहे और हमें भी सब याद करते रहे ऐसा अपना जीवन यादगार बनाए